हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अतिथि शिक्षक दर्शन शास्त्र विभाग MHM महाविद्यालय सोनगढ़ सा। आज के समय में जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के निर्देश पर हम लोग भी आप लोगों को पठन पाठन की सामग्री ऑनलाइन ही उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम आपको BA पार्ट 1 के छात्र छात्राओं को योग दर्शन का अष्टांग साधन के विषय में पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करवा रहा हूं। ध्यान से सुने और इसे नोट भी करें, परीक्षा में काम आ सकते हैं। प्रकृति और पुरुष के भेद का अविवेक त्रिविद दुखों का जनक है, अतः त्रिविद दुखों से आत्यंतिक मुक्ति परम आवश्यक है, यानी आंतरिक मुक्ति परम आवश्यक है, परंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध और एकाग्र होकर समस्त चित्त बिंदियों का निग्रह कर ले। इससे लक्ष्य की प्राप्ति क्रमिक रूप से ही संभव है। इसलिए योग अष्टांगिक साधन के द्वारा इसे प्राप्त करने के उपाय को बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहला साधन यम बताया है। यह निषेधात्मक सद्गुण है। बाह्य और अभ्यंतर इंद्रियों पर संयम करना ही यम कहलाता है। इसके भी 5 प्रकार हैं, वे हैं अहिंसा, सत्य, अतिशय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग ने दूसरे साधन के रूप में नियम को बताया है। यह भावनात्मक सद्गुण है। सदाचार को प्रश्रय देना ही नियम कहलाता है। इसके भी 5 भेद हैं, वे हैं सोच, संतोष, तमस, स्वाध्याय, ईश्वर और परिनिधान। योग ने तीसरा साधन आसन बताया है। यह योगांग के द्वारा शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखी जाती है, जिसे आसन कहते हैं। चौथी साधन के रूप में योग ने प्राणायाम बताया है, जिसमें श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना ही प्राणायाम कहलाता है। इसके भी 3 प्रकार है, जिसमें पूरक, रेचक और कुंभक कहलाते होते हैं। 5वीं साधन के रूप में योग ने प्रत्याहार को बताया है। इसके द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के वश में रखने की प्रक्रिया की जाती है। 6ठे साधन के रूप में योग ने धारणा को कहा है। इसके तहत चित्त को एक अभीष्ट विषय पर जमाया जाता है। इसका विषय बाह्य और आंतरिक दोनों हो सकते हैं, जैसे मन, चंद्रमा। मन पर भी आप रख सकते हैं और चंद्रमा बाह्य विषय पर भी आप इसको एकाग्र कर सकते हैं। 7वां साधन के रूप में उन्होंने ध्यायान को बताया है। इस योगांग के द्वारा अभीष्ट विषय पर निरंतर अनुशीलन किया जाता है। इस अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय का अलग अलग प्रतीति होती है। और अंतिम साधन के रूप में योग ने समाधि को बताया है। इस अवस्था में ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों में तारतम्यता स्थापित हो जाती है। इस अवस्था में पुरुष को विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके बाद वह प्रकृति से विनिद्ध हो जाता है। इसलिए यह पूर्ण चित्त बिंदु निरोध की अवस्था है। इसके भी 2 रूप हैं, पहला सं प्रगति तथा उस प्रज्ञात। इसमें उस प्रज्ञात ही चरम स्थिति है तथा परम लक्ष्य है। धन्यवाद।